अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली हम बनाने जा रहे हैं आदर राजपूत और उनके जितने जो फैन फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से ये वीडियो होगी। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि जो टिकटॉक को यूज़ करने वाले हैं उन लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक बहुत अहम मैसेज होगा और बहुत अहम काम होगा जो उनको करना है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उनकी वीडियो के हवाले से, जो उनकी मिसेज ने एक वीडियो बनाई थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है एक हादसे के अंदर, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा ड्रामा बनी और जिससे उनके जो फैन फॉलोअर्स थे उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। मैं यहाँ पे तमाम जो यूजर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग उनके ऊपर या उनके इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए आप लोग नहीं बना रहे कि आप लोगों को दुख हुआ है, इसलिए आप लोग बना रहे हैं कि आप लोग भी ट्रेंडिंग में आ जाए, कहीं ना कहीं आपकी वीडियो भी ट्रेंडिंग के अंदर चलना शुरू हो जाएगी। खुदा का वास्ता यार, बस करो। एक बंदे ने अगर कोई गलती की है, एक बंदे ने अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो आप लोग उसको प्रमोट करके जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बताने की कोशिश कर रही हो, और जो नए यूजर हैं उन लोगों को आप लोग क्या दर्ज दे रही हो कि भाई ऐसे भी फैम मिलती है। प्लीज यार बस किया करो, और ऐसे लोगों को जो इस तरह की वीडियोज बनाते हैं, जो इस तरह के गलत काम करते हैं, तो प्लीज उनको आप लोग अनफॉलो करें, उनको आप अनसब करें। आपने देखा कि इस वक्त जो टिकटॉक पे जो बड़े यूजर हैं, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता हूं, लेकिन आज से अगर एक माह दो माह पहले आप लोग देखें तो जिन्होंने फैम हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी हवातीन की जो इज्जतें हैं उनको पामाल किया, उनकी इज्जतों के ऊपर वीडियोज बनाई, उनके खिलाफ वीडियोज बनाई, और आज वो बड़े मौजूद टिकटॉकर्स बने हुए हैं, यूट्यूबर बने हुए हैं। और यकीनन आप लोग भी इस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग इस ट्रेंड का हिस्सा मत बने। याद रखिएगा, कल अगर ये वीडियो आपके बच्चे बनाएंगे या आपकी कोई फैमिली मेम्बर बनाएगा ना इस तरह की, तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान होगा। और जिन लोगों ने ये काम किया है या आज से पहले दो माह तीन माह से ये काम चल रहा है, उन लोगों के बारे में क्या है कि वो पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि वो वीडियोज़ बनाते हैं, इस तरह की गलत वीडियो बनाते हैं, और बाद में आकर माजरत करते हैं और अपनी फैन जो ना उनको मिल जाती है और सारे का सारा वो काम चलता रहता है। सो प्लीज़ ये टिकटॉक होगी या इस तरह की जो दीगर साइट्स हैं, ये एक इन्जॉयमेंट के लिए हैं, आप लोग इन्जॉय करें, ना कि लोगों के जज्बात के साथ खेलें कि भाई ऐसे भी काम किया जा सकता है। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम यूज़र से कि अगर आप लोगों ने कोई वीडियो बनानी भी है तो नई वीडियो बनाएं, इनके अगेंस्ट या इनके हक में वीडियो मत बनाएं। आप लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं और आप लोग स्टिल प्रमोट कर रहे हैं, और ये प्रमोशन आप अपनी जात के लिए कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि आपको दुख हुआ है कि भाई उन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो बनाई ठीक है, आप लोगों ने अपना जो इजहार करना था कर दिया, लेकिन अब आप लोग अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए बना रहे हैं। सोचिए कल अगर आप बहुत बड़े टिकटॉकर बन जाते हैं तो कोई आपको सवाल कर देता है कि भाई आपको फेम कहाँ से मिली, क्या बताएंगे कि एक बीवी ने अपने हस्बैंड को मारने की झूठी खबर फैलाई थी और उनको मैंने प्रमोट किया था और मुझे फेम मिली थी। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये सवाल आएगा, और अगर सच का सामना करना है तो ऐसी वीडियोस को प्रमोट करना बंद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आप लोगों की अच्छी वीडियोज़ लाएँ और ऐसे लोग जो इस तरह के गलत काम करते हैं उनको रोकने के लिए जहाँ तक मुमकिन है हम लोग भी इकदाम उठाएँ, लेकिन उनको रोकने के लिए।